हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है। तो अगर आप इंस्टाग्राम का डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो चैट है, कोई चैट है जो बहुत ही लंबी है, मतलब आप कोई बहुत पुरानी चीज़ या फिर बहुत पुराना कोई मीडिया या फोटो आपने उसको भेजा था या फिर एक मैसेज किया था उसको, वो आप चाहते हैं कि यार मुझे वो मिल जाए, लेकिन आपने उसे डिलीट नहीं किया है, आपने चैट क्लियर नहीं करी है, डिलीट नहीं करी है, ओके। आप बहुत ऊपर है वो और आप चाहते हैं वो मैसेज मिल जाए, या फिर बहुत ही पुराना है आप ढूंढने में थक जाएंगे, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब आप अपने इंस्टाग्राम का पूरा डेटा, जो भी वीडियो जो भी फोटोज़ आपने उसे भेजे हैं, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। जी हाँ, या फिर उसने आपको भेजे हैं वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी इंस्टाग्राम पे आपकी पड़ी हुई है सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे दिखाता हूँ चलिए मैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है इंस्टाग्राम अपना ओपन कर लिए, ठीक है। यहाँ से आप अपने आइकन पर क्लिक करिए नीचे, और यहाँ से सेटिंग में चले जाइए। ऊपर की तरफ तीन लाइन पे क्लिक किया, सेटिंग में गए, यहाँ से सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड डेटा का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको वो ईमेल डालना है अपना जो आपके पास है पहले से, तो यहाँ से, और हो सकता है वो ईमेल डालिएगा जो इससे कनेक्टेड है अगर आपको याद हो तो। ये ईमेल चलिए मैं दूसरा डाल देता हूँ, यहाँ मैंने ईमेल डाल दिया, और रिक्वेस्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसी का पासवर्ड डालना है, जो आपकी आईडी है उसका पासवर्ड डालिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, डाउनलोड रिक्वेस्टेड, ओके। यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए, अब जो है आपकी वेबसाइट पे एक मैसेज सेंड कर देंगे कुछ देर बाद, टाइम लगेगा थोड़ा सा, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके ईमेल पे एक मैसेज आ जाएगा, उसको आप ओपन करिएगा, मैं दिखाता हूँ वो मैसेज किस तरह का होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत देर बाद, शायद आधे घंटे बाद ये इंस्टाग्राम का मैसेज आया कि आप अपने जो डेटा है डाउनलोड कर सकते हो इस, ओके। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे इंस्टाग्राम सेलेक्ट करिए, ठीक है, ओके। बाद यहाँ पर आप क्रोम सेलेक्ट करिए, क्रोम बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, वही पासवर्ड जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का है। लॉगिन कर लिए, यहाँ से लॉगिन कर दिए, आपके पास नॉट नाउ कर दिए, इसको सेव नहीं करना है हमें को, सेव करना हो लॉगिन पासवर्ड तो डाल दीजिएगा। यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पूरा डेटा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.93 GB का मेरा पूरा डेटा है, जो इंस्टाग्राम पे जितनी भी वीडियोस जिसको भी भेजी हैं, जितने मैसेज किए हैं, जितने आप प्रोफाइल के अंदर चेंजेस किए हैं, जितनी एक्टिविटी करी है, जितनी सर्च हिस्ट्री हो गई, जितने मीडिया हो गए, जो भी शेयर किया है मैंने, सब कुछ आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जिस जिसको भी आपने जो जो भी भेजा है, सारे मैसेजेस आपको इसमें दिख जाएंगे। अगर डिलीट नहीं किया है तो सेव स्टोरीज़ वगैरह सब आप देख सकते हैं, जो भी स्टोरीज आपने लगाई हैं वो सब आप देख सकते हैं, सब डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिप फाइल में होगा, आपके पास कम से कम 6 GB जगह होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे मेरा 2.93 GB का है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 2.93 GB और चाहिए, इसलिए आपके पास जगह होनी चाहिए थी, जगह रखिएगा डाउनलोड करने से पहले, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर दिएगा अगर आपके फ़ोन में कोई एक्सट्रैक्टर नहीं है। यहाँ पे जब आप जिप फाइल ओपन करेंगे तो आपके पास खुद ऑप्शन आ जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारी zip फाइल है, तो यहाँ पे जो भी फाइल होगी यहाँ पे उसको आप क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, और अगर नहीं आए ऑप्शन तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिएगा जिसका नाम है Z Archiver, जो भी बोलते हैं इसको, मैं अब भी कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है, जेड अर्चीवर, इसको डाउनलोड कर लिए। इससे जाके इसमें आप अपनी फाइल को सेलेक्ट करिए जहाँ पे पड़ी हुई, और वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दीजिए का, और जहाँ पे डालनी है वहाँ पे डाल दीजिएगा, और जो भी डेटा है आपका उसे ओपन करके देख सकते हैं आप। मैसेजेस का आइकन बना होगा, मैसेजेस का लिखा होगा, उसमें जाके आप मैसेज देख सकते हैं सारे, वहीं पर ही मीडिया पड़ा होगा सब कुछ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। सब्सक्राइब।